दिस एम्प्लॉय क्लास ठीक है तो हम कह सकते हैं कि मैनेजर भी एम्प्लॉय है लेकिन स्पेसिफिक काइंड का एम्प्लॉय और उसको हमने अपनी एम्प्लॉय की क्लास से पब्लिकली इस वजह से इन्हेरिट कर दिया ताकि एम्प्लॉय की क्लास की जितनी फंक्शनलिटीज थी वो हम मैनेजर की क्लास में इन्हेरिट कर सकते और सिमिलरली हम लोगों ने एम्प्लॉय uh, की क्लास में एक फंक्शन बनाया था गेट नेम का और मैनेजर की क्लास में भी हमने सेम नेम का फंक्शन बनाया तो विच मीन्स की हमने बेस क्लास के फंक्शन को ओवर किया है ठीक है अलॉन्ग विद समशनल फंक्शनलिटीज ठीक है इन साइड द मेन अगर हम आते हैं तो हमने

सो ओवर हेयर जब हमने इसको रन करके देखा तो हमने देखा कि यहाँ पर लेट मी यूज एनोटेशन ओवर हेयर कि आई एम एक्सपेक्टिंग वेन आई एम मेकिंग दिस पॉइंटर तो यहाँ पर जो है वो एक पॉइंटर uh, uh, का जो है वो स्पेस बन जाएगी ठीक है और इस लाइन के बाद मेरा क्या बन रहा है मेमोरी में एक ऑब्जेक्ट बन रहा है किस नेम का एम नेम का जिसकी टाइप क्या है मैनेजर है ठीक है अच्छा जी अः uh, यहाँ पर ये पॉइंटर किसका था अपने एम्प्लॉय क्लास का पॉइंटर था ओवर हेयर मैंने क्या किया मैंने ई e को uh, यानी कि अपने पॉइंटर के अंदर मैं अपने एम ऑब्जेक्ट का एड्रेस स्टोर करवा रहा हूँ ठीक है तो विच मीन्स के आई एम रेफरिंग दिस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट एड्रेस टू दिस पॉइंटर ठीक है सो so अल्टीमेटली होना ये चाहिए कि राइट नाउ माय एक्शन इज दिस कि ये ई e, पॉइंटर uh, जो है वो किसको पॉइंट कर रहा है एम के ऑब्जेक्ट के एड्रेस को

किया वो किसका एड्रेस स्टोर करवा रहा है अपनी टाइप का तो पॉइंटर इस टाइम किस टाइप का है पॉइंटर इस टाइम अपनी क्लास टाइप का है ठीक है सो इफ आई वांट के प्रिंट uh, uh, क्या हो आई एम द मैनेजर क्लास फंक्शन तो उसको किसकी टाइप स्टोर करवानी पड़ेगी अपने ऑब्जेक्ट की टाइप स्टोर करवानी पड़ेगी बट राइट नाउ मेरे पॉइंटर जो है वो किस स्टोर करवा रहा है uh, मेरे पॉइंटर जो है वो मेरी क्लास टाइप का है ठीक है सो so, बेसिकली uh,

दिस वॉज द टाइप ऑफ द पॉइंट ठीक है तो जब हम मेम्बर फंक्शन को कॉल करेंगे तो कौन सा मेंबर फंक्शन कॉल होगा अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ दिस पॉइंट क्लास का गेट uh, नेम का फंक्शन कॉल आई डों आई जस्ट वॉन्ट के मैंने uh, जिस चीज को point किया है टाइप ऑफ दिस पर्टिकुलर आर्जस्ट ऑफ दिस ऑब्जेक्ट सो आई वॉन्ट के uh, इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का जो है वो गेट um, नेम का फंक्शन कॉल हो बट हाउ आई कैन डू द प्रोसेस अल्टीमेटली मैंने आपको प्रोसेस uh, uh, बताया क्या होगा इफ आई वांट के uh, जिस पर्टिकुलर एड्रेस को मैं स्टोर करवा रही हूँ जिस पर्टिकुलर एड्रेस ऑब्जेक्ट का एड्रेस मैं अपने पॉइंटर uh, के थ्रू पॉइंट करवा रही हूँ तो आई नीड कि मैं अपने बेस क्लास के फंग, ऐसे फंक्शन को जिसको नीचे वाली क्लासेस में या ड्राइव क्लास में क्या किया गया है ओवर किया गया है तो आई नीड टू राइट ओवर A virtual keyboard. That's so simple. So simple. कि whenever you make any function virtual, ठीक है Over here आप आपको कोई भी फंक्शन जब भी virtual बनाते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि you are going to use it polymorphically. ठीक है क्या मतलब है इसका इफ आई एम गोइंग टू मेक दिस पर्टिकुलर फंक्शन मतलब ये है कि यकीन ये क्लास जो है ये बेस क्लास के तौर पर एक्ट कर रही है और इस वो क्लासेस जिस जो एम्प्लॉय की क्लास से क्या हुई नहीं है, drive हुई है ड्राइव हुई हुई है वहां पर उन क्लासेस में एक और पब्लिक फंक्शन है जो कि बिल्कुल मेरी इस पर्टिकुलर फंक्शन के नेम से मिलता है लाइक like दिस ठीक है विच मीन्स के इसके ड्राइव क्लासेस ने इसका ये वाला फंक्शन क्या किया हुआ है ओवरराइड किया हुआ है ठीक है सो वेन एवर यू आर मेकिंग एनी पर्टिकुलर फंक्शन विचुअल

फंक्शन uh, को ठीक है आप ड्राइव क्लास के फंक्शन को ओवर हेयर मैंने किसका स्टोर uh, करवाया है यहाँ पर एम का ऑब्जेक्ट स्टोर करवाया है और गेट नेम मैं किसको कॉल करवा रही हूँ ड्राइव क्लास के फंक्शन को कॉल करवा रही हूँ सो बाय गेट नेम प्रोसेस क्या होगा ओके ठीक okay, है पॉइंटर जस्ट कॉल द गेट नेम फंक्शन गेट नेम का फंक्शन कहाँ जाएगा मैं पॉइंटर किसकी टाइप क्या है इंप्लॉय है तो कहाँ जाएगा एम्प्लॉय की क्लास में एम्प्लॉय की क्लास में जब वो गया है, तो गेट नेम का फंक्शन कॉल करने से पहले उसको क्या नजर आया ओ ओके इट ये फंक्शन क्या है Virtual है है का मतलब मतलब ये है कि इसका मतलब कि यहां पर इस फंक्शन को यूज किया गया ठीक है तो इसका मतलब वो तमाम क्लासेस जिन्होंने एम्प्लॉय की क्लास को ड्राइव किया गया ड्राइव किया हुआ वह, है वहां भी सेम फंक्शन जो है वो गेट नेम के नाम से हमने क्या किया हुआ है बनाया हुआ है ठीक है या ओवर किया हुआ है तो इसका मतलब आई डोंट नीड टू आई डों टाइप बल्कि विद देल्प ऑफ विचुअल वो क्या करेगा उस चीज को पॉइंट करेगा किसको ऑब्जेक्ट की टाइप को तो राइट नाउ ये इसकी टाइप कहां पर जाएगी से so क्योंकि मैंने विचुअल फंक्शन को यूज किया हुआ है तो इम्पोर्टेंस जो है वो अब किसकी मिले मिल, किसको मिलेगी ऑब्जेक्ट की टाइप को जो कि पॉइंटर होल्ड कर रहे हैं ना के क्लास की टाइप को ठीक है सो दिस दिस इज द मेन डिफरेंस जिसकी वजह से आप जब इस चीज को रन करते हो इट मी रन दिस थिंग ओवर हियर सो यहाँ पर बजाय इसके कि आई एम द एम्प्लॉय क्लास कॉल हो क्या चीज कॉल हो रही है आई एम द मैनेजर क्लास फंक्शन ठीक है सो द प्रोसेस इज सो सिंपल जैसे मैंने आपको बता दिया ठीक है इट मी यूज ओवर हियर पॉइंटर बना किस क्या टाइप है एम्प्लॉय ठीक है ऑब्जेक्ट बना क्या टाइप है मैनेजर की क्लास ऑब्जेक्ट क्लास के एड्रेस को मैंने किसको रेफर कर दिया

किसको प्रिंट करवाना है मुझे उस फंक्शन को प्रिंट करवाना है जिसको मेरा ये पॉइंटर रेफर कर रहा है तो राइट नाउ विद हेल्प ऑफ वर्चुअल ये क्या करेगा पॉइंटर पॉइंटर बजाय इसके कि अपनी अपनी की टाइप टाइप को को पकड़े वो किसकी किस पकड़ेगा जिसको ये पॉइंट कर रहा है ठीक है तो so इस टाइम वो किसको पॉइंट कर रहा है इस मैनेजर के ऑब्जेक्ट के एड्रेस को पॉइंट कर रहा है तो so डाट्साइ अब जो गेट नेम का फंक्शन कॉल होगा डाट इज गोइंग टू बी हेल्प ऑफ एड्रेस इट इज गोइंग टू ओवर हिस्टर मैनेजर एंड इन साइड दिस गेट नेम और फिर हमारा क्या प्रिंट हो गया आई एम द मैनेजर क्लास फंक्शन ठीक है सो so डाट्स बस अ वेरी सिंपल सनारी ऑफ द दिचुअल फंक्शन वर्चुअल फंक्शन बेसिकली अगर मैं ऊपर जाऊं तो वर्चुअल विचुअल फंक्शन दिस पर्टिकुलर वर्चुअल फंक्शन ये बेसिकली किसके तौर पर एक्ट कर रहे आपके टेम्पलेट के तौर पर एक्ट कर रहे ठीक है तो हम ये कहते हैं कि जो क्लास इस पर्टिकुलर वर्चुअल मेंबर को क्या कर रही है इनहेरिट कर रही है ठीक है तो चाहे वो वर्चुअल आपका वेरिएबल हो चाहे वो वर्चुअल फंक्शन हो वो सिमिलरली वो क्या बन जाएगी वो वाली क्लास पॉलीमोर्फिक की क्लास बन जाएगी ठीक है बिकॉज ये आइडिया किसका है पॉलीमोर्फिज का ही है कि यू कैन कॉल सेम फंक्शन in the multiple forms you can call the same function but it will have the different results okay so that's the beauty of polymorphism okay you are going to use the same function in the different classes over here but for the

Uh, focusing on the virtual keyboard. In the next video, we are going to talk about the pure virtual keyboard, so just uh, stay tuned.